2021 का 12वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान रॉयल्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ शानदार चौके से इनिंग्स को खोले, लेकिन गायकवाड़ केवल 10 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी में शिवम दुबे को कैच देकर आउट हुए। वे दो बार आउट होने से बच गए थे और इसका वे फायदा उठा नहीं पाए और फाफ डुप्लेसी शानदार खेल खेलकर चौके छक्के लगाए। वे केवल 17 गेंदों में 33 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में रियान परा को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे मोइन अली अच्छी बल्लेबाजी करके 20 गेंदों में 130 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौके और दो छक्के की मदद से 26 रन बनाकर राहुल तिवाटिया की गेंदबाजी में रियान परा को कैच देकर आउट हुए। फाफ डुप्लेसी का विकेट गिरने के बाद उतरे सुरेश रायना 15 गेंदों में 18 रन बनाकर चेतन सकारिया की गेंदबाजी में क्रिस मॉरिस को कैच देकर आउट हुए। मोइन अली के बाद उतरे अंबाटी रायडू अच्छी बल्लेबाजी करके केवल 17 गेंदों में 27 रन बनाकर चेतन सकारिया की गेंदबाजी में रियान परा को कैच देकर आउट हुए। कमाल की गेंदबाजी चेतन सकारिया द्वारा। रायडू के बाद उतरे रविंद्र जडेजा केवल 8 रन बनाकर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में संजू सैमसन को कैच देकर आउट हुए। वे इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। रायना के बाद उतरे कप्तान एमएस धोनी अच्छी बल्लेबाजी किए, लेकिन वे एक भारी शॉट मारने के चक्कर में चेतन सकारिया की गेंदबाजी में जॉस बटलर को कैच देकर आउट हुए। वे 17 गेंदों में 2 चौके की मदद से 18 रन बनाए। 8वें स्थान पर उतरे सैम करन एक छक्के से शुरुआत किए, लेकिन वे केवल 13 रन बनाकर रन आउट हुए। ब्रेवो अच्छी बल्लेबाजी करके 8 गेंदों में 250 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर अजय रहे और शरदुल ठाकुर केवल 1 रन बनाकर रन आउट हुए। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी में जयदेव उनादकट द्वारा शुरुआत किया गया। जयदेव पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी किए, लेकिन इस मैच में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 4 ओवर में 10 इकोनॉमी रेट के साथ 40 रन देकर एक्सपेंसिव रहे। चेतन सकारिया शानदार गेंदबाजी करके 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मुस्तफिजुर रहमान अच्छी गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 9.25 इकोनॉमी रेट के साथ 37 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने ऋतुराज गायकवाड़। क्रिस मॉरिस जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए। राहुल तिवाटिया अच्छी गेंदबाजी करके 3 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 21 रन देकर 1 विकेट लिए और उनके शिकार बने मोइन अली। और रियान पराग भले विकेट नहीं ले पाए, लेकिन फील्डिंग जबरदस्त किए। वे 1 ओवर डाल के 16 इकोनॉमी रेट के साथ 16 रन दिए। भारतीय युवा खिलाड़ी चेतन सकारिया शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 9 इकोनॉमी रेट के साथ 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने सुरेश रायना, अंबाटी रायडू और दिग्गज बल्लेबाज एमएस धोनी। इन सभी का विकेट लेकर सकारिया को एक अच्छी प्रोत्साहन मिली और वे सीएसके को भारी रन बनाने से रोक पाए। फाफ डुप्लेसी शानदार बल्लेबाजी करके करारे शॉट लगाकर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से केवल 17 गेंदों में 194.12 स्ट्राइक रेट के साथ 33 रन बनाए। वे पिछले मैच में अजय रह के सीएसके को जीत दिलाए, लेकिन इस मैच में उनके नेशन टीम प्लेयर क्रिस मॉरिस की गेंदबाजी में रियान परा को कैच देकर जल्द ही आउट हुए। क्रिस मॉरिस शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 8.25 इकोनॉमी रेट के साथ 33 रन दिए और 2 विकेट लिए। पहले वे अपने ही नेशन टीम प्लेयर फाफ डुप्लेसी का विकेट लेकर सीएसके को झटका दिया और दूसरा उन्होंने रविंद्र जडेजा का विकेट लिया। अंबाटी रायडू अच्छी बल्लेबाजी करके
जबरदस्त करारे शॉट लगाए। वे सुरेश रैना के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे केवल 17 गेंदों में 158.82 स्ट्राइक रेट के साथ 3 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर चेतन साकारिया की गेंदबाजी में रियान पराग को कैच देकर आउट हुए। 189 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स भी शुरुआत बाउंड्री के साथ किए। जॉस बटलर शानदार बल्लेबाजी किए, लेकिन वे एक रन के लिए अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए और वे 35 गेंदों में 49 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। और मनन बोहरा केवल 11 गेंदों में 14 रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। तीसरे स्थान पर उतरे कप्तान संजू सैमसन भी अपने बल्ले का प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल एक रन बनाकर सैम करन की गेंदबाजी में ब्रेवो को कैच देकर आउट हुए। चौथे स्थान पर उतरे शिवम दुबे जॉस बटलर के साथ अच्छी साझेदारी निभाए। वे केवल 17 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। जॉस बटलर के बाद उतरे डेविड मिलर भी केवल 2 रन बनाकर मोइन अली की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। शिवम दुबे के बाद उतरे रियान पराग भी जल्द ही केवल 3 रन बनाकर मोइन अली की ही गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। मिलर के बाद उतरे राहुल तिवाटिया अच्छी बल्लेबाजी किए। वे 15 गेंदों में 133.33 स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर ब्रेवो की गेंदबाजी में गायकवाड़ को कैच देकर आउट हुए। नवे स्थान पर उतरे क्रिस मॉरिस पिछले मैच में हीरो और इस मैच में जीरो, और वे मोइन अली की गेंदबाजी में LBW के रूप में आउट हुए। जयदेव उनादकट शानदार पारी खेल के 17 गेंदों में 141.18 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाकर शरदुल ठाकुर की गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट हुए। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स 45 रनों से शानदार जीत हासिल किए। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी दीपक चाहर द्वारा शुरुआत किया गया। दीपक चाहर पिछले मैच में चमके थे, लेकिन इस मैच में वे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे 3 ओवर में 10.67 इकोनॉमी रेट के साथ 32 रन दिए। सैम करन शानदार गेंदबाजी करके 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। शरदुल ठाकुर भी अच्छी गेंदबाजी करके अपने 3 ओवर में 6.67 इकोनॉमी रेट के साथ 20 रन देकर 1 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए। ब्रेवो अपने 3 ओवर में 9.33 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 1 विकेट लिए। और मोइन अली शानदार गेंदबाजी करके सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 7 इकोनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए और उनके शिकार बने जॉस बटलर और शिवम दुबे। और साथ ही वे इस मैच में 4 कैच पकड़कर CSK के जीत में मुख्य भूमिका निभाए। मोइन अली जबरदस्त गेंदबाजी करके अपने पहले ओवर में डेविड मिलर और दूसरे ओवर में पराग और मॉरिस का विकेट लेकर इस मैच में राजस्थान रॉयल्स के जीत के आशाओं पर पानी फेर दिए। वे 3 ओवर में 2.33 इकोनॉमी रेट के साथ सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेट लिए। जॉस बटलर शानदार बल्लेबाजी करके 35 गेंदों में 140 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 49 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। वे पहले मनन बोहरा के साथ 30 रनों की साझेदारी बनाए और फिर शिवम दुबे के साथ 42 रनों की साझेदारी बनाए। वे केवल एक रन के लिए अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए। सैम करन शुरुआत से जबरदस्त गेंदबाजी करके ओपनर मनन बोहरा और संजू सैमसन का विकेट लेकर राजस्थान रॉयल्स को दबाव में रखे और अंत तक वे 4 ओवर में 6 इकोनॉमी रेट के साथ 24 रन देकर 2 विकेट लिए।